أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ऑनलाइन स्टूडेंट्स और फिजिकल स्टूडेंट्स तमाम ने कोर्स ज्वाइन कर लिया आज की क्लास। तो हम बाकायदे तौर पर स्टार्ट करते हैं। तो जो आज का हमारा मेन एजेंडा है उसमें हम डिफरेंट किस्म के बुक्स को देखेंगे और राउटिंग को देखेंगे। मेरी आवाज़ आ रही है पीछे? ओके, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा रिवाइज करना चाहूँगा। आज हम बेसिकली राउटिंग को देखेंगे और हुक्स को देखेंगे और ऑलमोस्ट आज हमारा रिएक्ट का जो है ना वो काम मुकम्मल हो जाएगा। मेरी पूरी कोशिश होगी कि आज हम रिएक्ट को मुकम्मल करें। तो रिएक्ट कोई इतनी कोई डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है। बेसिकली जावास्क्रिप्ट के डिफरेंट किस्म के जो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल्स हैं उनको हम डिफरेंट तरीके से लोड करवाते हैं। तो अब तक जो हमने चीज़ें सीखी हैं वो मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ, लेकिन मैं मुझे थोड़ी सी मायूसी हो रही है कि अभी मैंने असाइनमेंट्स देखी हैं आप लोगों की, लोग काम नहीं कर रहे क्योंकि अनफॉर्चुनेट है। लास्ट मैंने असाइनमेंट नंबर 7 दी थी तो सिर्फ 5 लोगों ने असाइनमेंट जमा करवाई, लोगों ने असाइनमेंट जमा करवाई है जो कि मुनासिब नहीं है। इसी तरह असाइनमेंट नंबर 6 जो मैंने दी थी सिर्फ 8 लोगों ने जमा करवाई है। कीप नोटेड के इनकी बेसिस के ऊपर आप लोगों को, अगर आप प्रीवियस देखें तो माशाल्लाह 4th असाइनमेंट में काफ़ी सारे लोगों ने जमा करवाई थी, और इसी तरह जो फर्स्ट असाइनमेंट थी आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों का इंटरेस्ट कम होना शुरू हो गया, तो विच इज़ अलार्मिंग। अगर शुरू में ये हालत हो रही है आप लोगों की तो अभी हमने एक्सप्रेस सीखना है, मोंगो डीबी सीखना है, प्रोजेक्ट करना है, वो आप लोगों के लिए। इसी तरह हमने सॉफ्ट स्किल्स पढ़नी है, ये आप लोगों के लिए बहुत टफ हो जाएगा साथ साथ चल। असाइनमेंट्स जो होती हैं वो उसमें आपको जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। इसके अलावा आपकी इसमें स्किल बिल्ड होती है। तो लास्ट टाइम मैंने आपको असाइनमेंट दी थी एक रिएक्ट सिंगल पेज बनाना हमने यूजिंग मल्टीपल कंपोनेंट गिवन एज फॉलोस। इसमें साइन इन फॉर्म बनाना था, वेलकम कंपोनेंट या इनवैलिड लॉगिन कंपोनेंट, अबाउट कंपोनेंट, प्रोफाइल कंपोनेंट, ये सारे कंपोनेंट बनाने थे आपने। और उसमें हमने ये कहा था कि एक एचटीएमएल फॉर्म बनेगा साइन इन के कंपोनेंट में, 2 इनपुट एलिमेंट्स होंगे, यूजर नेम और पासवर्ड। उसमें प्रॉप्स की मदद से उस यूजर नेम और पासवर्ड को आपने वैलिडेट करना था, और अगर वो वैलिडेट हो जाता तो उसको आपने कंपोनेंट के साथ, वेलकम कंपोनेंट के साथ लोड करवा देना था, और अगर वो वैलिडेट नहीं होता तो आप इनवैलिड लॉगिन कंपोनेंट का पेज बना लेते। और वेलकम पेज के अंदर आप जो जिस यूज़र नेम से वो लॉगिन हुआ है उसका नाम डिस्प्ले करवा देना था, और प्रोफाइल कंपोनेंट में डाटा शो करवाना था थ्रू चाइल्ड कंपोनेंट विच इज़ अबाउट कंपोनेंट, इंसर्ट योर कस्टमाइज डाटा इन टू दीज कंपोनेंट्स। तो कितने लोगों ने ये काम किया है? ओनली 5% ने। तो यहाँ पे जो बच्चे बैठे हैं और उन्होंने काम नहीं किया, ज़रा फौरी तौर पर मुझे बताएं कौन कौन है वो, खड़े हो जाए 2 मिनट के लिए जरा। ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द क्लास विच इज़ नॉट गुड जी, आप लोगों ने क्यों असाइनमेंट जमा नहीं करवाई अभी तक? वर्क नहीं करा, बनाई है असाइनमेंट, रिएक्ट वर्क नहीं कर रहा हूँ ये आपने बताया किसी को? आपने रिएक्ट पे आज से काम शुरू किया करना, तो अब एक दफ़ा भी नहीं रिएक्ट चला बेटा, ये तो फिर मेरा मसला तो नहीं है। एक दफ़ा हमने चलाया, सारा कुछ किया, उसको अनइंस्टॉल करके दोबारा इंस्टॉल करो, कैसे क्लियर करें उसको? चैट जीपीटी में पूछे आपको तरीका मिल जाएगा उसका, कैसे क्लियर किए आप? सर स्टैंड से जो है ना बाद में मिल लें, आपका लैपटॉप लाए ठीक है, वो इनसे कुछ टाइम ले लें कल का या परसों का, जिनका भी जो भी प्रॉब्लम आ रहा है आप मॉर्निंग में 10-11 बजे के करीब कल आ जाएँ, जिसका जिसका जो भी रिएक्ट में प्रॉब्लम आ रहा है वो हम देख लेंगे ठीक है। मेन ऑफिस में आ जाए, वहाँ पे हम देख लेंगे। आपने क्यों नहीं सबमिट कराई? आपका भी रिएक्ट नहीं चल रहा? पहले तो चलता था आपका, शुरू से नहीं चल रहा, आप मसला बताएं, मसला है सबको, मसला बताएं। लैपटॉप लाए हो भी? लैपटॉप लैपटॉप ही नहीं चल रहा बेटा। अब ये चीज़ें अब यहाँ पे सॉफ्ट इस पर कर लो चीज़, प्रैक्टिस सिस्टम पे प्रैक्टिस करो, आप भी सिस्टम पे प्रैक्टिस करें। आपने क्यों नहीं सबमिट करवाई? लाउड बोले, यानी अभी आप 0 पे खड़े और आज हमारी रिएक्ट खत्म होने जा रही। आपने लैपटॉप इशू आपका अभी तक क्यों नहीं हुई बेटा? ये देखो ना, इस तरह से काम नहीं होता। आज जमा करवाया जी? हाँ यार, ये तो इंतहाई चाइल्डिश किस्म का बिहेवियर है आप लोगों का कि जी पीसी बंद हो गया तो लैपटॉप नहीं चल रहा। लैपटॉप में है आपका, सिस्टम पे प्रैक्टिस करेंगे
आप विंडो ही करप्ट हो गई, आपका सेटअप का इश्यू बन गया। काम कैसे करोगे अगर सेटअप ही नहीं चल रहा? यहाँ पे सिस्टम पे बैठ के करें। आप ये असाइनमेंट मिली थी आपको, ये गूगल क्लासरूम लॉगिन करते हो, ये जो असाइनमेंट मैंने दी हुई है ये पढ़ी आपने? तो क्यों नहीं किया काम? सारी डिटेल उसमें बताएगी ये कैसे काम कर। अब्दुल रहीम कौन है? शाबाश। असलाम खालिद, फरवा, मोहम्मद राशिद और बानिया असद, इन्होंने असाइनमेंट सबमिट करवाई हुई है। तो मोहम्मद राशिद आपने सब असाइनमेंट बनाई है, आपकी असाइनमेंट मैं देखना चाहूँगा। स्क्रीनशॉट ठीक है, वही देख लेता हूँ। कहाँ से शुरू करूँ? लॉगिन से। ठीक है, आपने लॉगिन पेज बनाया, इसका कोड किधर है? एटलीस्ट कोड्स की स्क्रीनशॉट भेज देते। वेलकम पेज पे आपने नाम नहीं लिखा। चाइल्ड, चाइल्ड आपको कंपोनेंट्स बनाने आ गए? ठीक है, ओके। अच्छा, गो के हमारा एजेंडा आज राउटिंग का और हुक्स का है, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको एचटीएमएल के लेआउट्स के बारे में बताता हूँ कि एचटीएमएल के लेआउट्स किस तरह से मैनेज होते हैं हमारे जो पेज के अंदर है, रिएक्ट पेज के अंदर। बच्चे आप लोग लेट क्यों आ रहे हो? आप में से मावरा कौन है और वानिया? आप दोनों के असाइनमेंट सबमिटेड है। ओके, मावरा और वानिया आप लोगों ने मुकम्मल कर ली थी असाइनमेंट अपनी? कोई कोई प्रॉब्लम? ओके ओके, ये किसका प्रोजेक्ट है? ये प्रोजेक्ट मैंने इधर चला लिया है। अजी बेटा, आप अपना, मैं अभी फिलहाल इसमें रॉन्ग यूजर नेम और पासवर्ड दे रहा हूँ, ठीक है जी? करेक्ट ईमेल यूजर नेम पासवर्ड बताएं। मावरा, करेक्ट यूजर नेम पासवर्ड बताएं। ये मावरा का प्रोजेक्ट मैंने यहाँ पर ओपन कर लिया है और इन्होंने एक लॉगिन पेज बनाया है, साइन इन फॉर्म, और इसके अंदर इन्होंने सबमिट को हैंडल किया हुआ है और यूजर नेम और पासवर्ड की क्या वैल्यू रखी है? यूजर और पासवर्ड ये दो रखी है। ठीक है, मैं इसको सेट करता हूँ, यूजर और पासवर्ड। ओके, वेरी गुड। ये आप लोग नोट करें, ये मैंने असाइनमेंट दी थी छोटी सी, और मावरा के लिए क्लैपिंग होनी चाहिए। और बाकी बच्चे जो अभी तक जो असाइनमेंट नहीं बना के लाए हैं उनके लिए थोड़ा सा अलमिया है। देखिए, यहाँ पे मैंने ये दिया था, ये असाइनमेंट का चलता हुआ एक फॉर्मेट है जो मैंने आपको लास्ट टाइम असाइनमेंट दी थी। मैंने ये कहा था कि आपके डिफरेंट कंपोनेंट्स होंगे सिंगल पेज के अंदर, तो ये सिंगल पेज में कंपोनेंट्स बन गए। ये कौन कौन से कंपोनेंट है यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मावरा वाला प्रोजेक्ट मैंने लोड कर लिया, उसको रन भी कर लिया। तो सबसे पहले इंडेक्स जेएस में इनका, इनकी ऐप रन हो रही है, ठीक है? और ऐप डॉट जेएस यहाँ पे इनका पेज है। बेसिकली यहाँ पे इन्होंने एक हेडर और दूसरा चाइल्ड कंपोनेंट लिया हुआ है। चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर साइन इन फॉर्म और प्रोफाइल दो लिए हैं। तो हम साइन इन फॉर्म के अंदर आ जाते हैं। साइन फॉर्म को इन्होंने यहाँ पे सब कंपोनेंट लिया हुआ है कि इनवॉलेट लॉगिन का, ठीक है? और यहाँ पे सब कंपोनेंट को लोड करवा रहे हैं और इन्होंने हार्ड कोडेड एक यूजर नेम पासवर्ड ले लिया है, यानी यूजर नेम यूजर है और पासवर्ड पासवर्ड है। और इस कंडीशन के ऊपर, यानी जब भी सबमिट को हम हैंडल करेंगे, मिसाल के तौर पर ये सबमिट का बटन प्रेस करेंगे साइन इन का, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑन सबमिट, हैंडल सबमिट। हैंडल सबमिट क्या काम कर रहा है कि वैल्यूज को कंपेयर कर रहा है। अब यहाँ पे आज हम पढ़ेंगे डिफरेंट स्टेट्स का क्या मतलब होता है। जैसे इन्होंने यू स्टेट यूज की हुई है और उस यू स्टेट को इन्होंने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया है। तो यू स्टेट की जो
यू स्टेट का मतलब क्या होता है, अभी हम आगे चल के पढ़ेंगे। दिस इज अ टाइप ऑफ हुक। तो इसमें आप क्या करते हो कि डिफरेंट किस्म के वेरिएबल्स डिक्लेयर कर सकते हो और उस वेरिएबल के सेटर गेटर डिक्लेयर कर सकते हो। मिसाल के तौर पर इस यू स्टेट को हम कैसे लिखेंगे, हम ये लिखेंगे कि कॉन्स्टेंट एक अरे डिफाइन करेंगे, उस अरे में दो पैरामीटर होंगे, पहला पैरामीटर वेरिएबल, दूसरा पैरामीटर फंक्शन। यू स्टेट, अगर मैं यहाँ पर यू स्टेट लिख रहा हूँ, इसका मतलब है कि ये यू स्टेट एक हमारे पास पैकेज यूज हो गया, यानी हुक यूज हो गया। इस यू स्टेट को अगर मैं यहाँ पर कोई भी एक वैल्यू असाइन कर दूंगा, लाइक मैंने यहाँ पर यूजर असाइन कर दिया, तो ऑटोमेटिकली इस यूजर नेम की वैल्यू क्या हो जाएगी, यूजर यूजर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, यूजर। और इसी तरह अगर मैं पासवर्ड में यहाँ पर पासवर्ड सेट कर देता हूँ, क्योंकि तो डिफॉल्ट वैल्यू सेट हो गई, ठीक है, तो इसको हम टेस्ट भी कर सकते हैं कि आइदर यूजर नेम में क्या डिफॉल्ट वैल्यू है। यानी यहाँ पर अगर मैं आपको इसकी डिफॉल्ट वैल्यू चेक कर रहा हूँ, यानी यूजर की वैल्यू, यूजर नेम की क्या वैल्यू है, बोले यूजर नेम की डिफॉल्ट वैल्यू क्या है, यूजर, यूजर नेम की डिफॉल्ट वैल्यू क्या है, यूजर। तो ये देखें, ये यूजर आ रहा है ना। और अगर मैं यहां पर पासवर्ड की डिफॉल्ट वैल्यू शो करवाऊं, तो ये पासवर्ड आ रहा है। तो यूज हुक को जरा दोबारा समझ लें इसी एग्जांपल के साथ, आगे भी चल के हम देख लेंगे कि यूज यूज स्टेट एक हुक है जिसमें आप किसी भी वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर देते हो या बाद में कर सकते हो, एक ही बात है, पहले असाइन कर लो या बाद में असाइन कर। तो अगर पहले असाइन करना है तो आप क्या तरीकेकार है, आप एक स्ट्रिंग अरे, यानी एक एक अरे डिक्लेयर करोगे जिसकी यू जिसमें यू स्टेट स्टोर करवाओगे। अब यू स्टेट के अंदर दो पैरामीटर भी आ सकते हैं और एक पैरामीटर भी आ सकता है। तो हम इसमें एक ही पैरामीटर डाल रहे हैं जो कि पहला पैरामीटर है, जो इस वक्त एम्प्टी है। इस सेट यूजर को हम बाद में भी कॉल कर सकते हैं, जैसे ये देखो, अब इस चीज को समझो। बेसिकली यू स्टेट दो चीजों पर मुश्तमिल होता है। यू स्टेट एक हुक है जिसका पर्पस ये होता है कि आप अपनी एप्लीकेशन की स्टेट्स को चेंज कर सकते हैं रन टाइम के ऊपर, अपनी एप्लीकेशन के अंदर यूज होने वाले वेरिएबल्स की स्टेट को रन टाइम के ऊपर चेंज कर सकते हो थ्रू फंक्शन। अब मिसाल के तौर पर इस वक्त तीन यू स्टेट यूज हुए हैं इसके अंदर। पहला यू स्टेट जो है वो यूजर नेम के नाम का है, दूसरा यू स्टेट पासवर्ड के नाम का है, और तीसरा यू स्टेट लॉगिन के नाम का है, जिसमें डिफॉल्ट वैल्यू क्या सेट हो गई है, फॉल्स। यानी अगर मैं लॉगिन को चेक करूंगा तो बाय डिफॉल्ट लॉगिन की क्या वैल्यू है, फॉल्स। और अगर हमने किसी भी स्टेट पे लॉगिन की वैल्यू ट्रू सेट करवानी है, तो हम सेट लॉगिन के अंदर ट्रू पास कर देंगे। क्या पास कर देंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि यू स्टेट का फंक्शन कॉल हो गया। तो मैं कंक्लूड करने जा रहा हूं, व्हाट इज यूज स्टेट, यूज स्टेट इज अ हुक व्हिच हैव टू काइंड ऑफ वेरिएबल, वन इज द वेरिएबल नेम एंड सेकंड इज द फंक्शन ऑफ दैट वेरिएबल टू सेट द नेम। मिसाल के तौर पर अगर हमने एक वेरिएबल यूजर नेम ले लिया है, तो उसको हम सेट कैसे करेंगे, सेट यूजर नेम के फंक्शन से। तो फर्स्ट वन इज द वेरिएबल एंड सेकंड वन इज द फंक्शन। तो इसी तरीके से ये तीन यूज स्टेट्स यूज हो गए इसमें, वेरिएबल्स के नेम्स और फंक्शन के नेम। यहां तक बात समझ आ गई, क्लियर? अच्छा, इसके यस बाद मैंने आपको ये भी बता दिया कि अगर आपने इस यूजर नेम में डिफॉल्ट वैल्यू सेट करनी है, तो यहाँ पर मैं कोई भी डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर सकता हूँ। ये देखिए, मैंने यूजर नेम में डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर दी, तो वो यहाँ पे भी शो हो गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू फिक्स हुई भी है यूजर नेम की। ये देखिए, यूजर नेम की वैल्यू फिक्स हुई भी है। इसी तरह मैं पासवर्ड की कोई डिफॉल्ट वैल्यू सेट करना चाहता हूँ, तो पासवर्ड की डिफॉल्ट वैल्यू भी सेट होगी। अगर मैं टाइप इसकी टेक्स्ट सेट कर देता हूँ, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये देखिए 1 2 3 जो मैंने डिफॉल्ट में यू स्टेट के अंदर वैल्यूज डाली थी, वो यहाँ पे नजर आ रही है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं करेक्ट यूजर नेम और पासवर्ड लिखता हूँ।
मैंने करेक्ट यूजर नेम और पासवर्ड लिखा, साइन इन किया, वो मुझे वेलकम पे ले गया। अगर मैं इसमें गलत पासवर्ड देता तो वो मुझे इनवैलिड लॉगिन पे ले जाता। ये चीज कैसे मैनेज हुई? बहुत आसान। देखिए, सबसे पहले हम इसका एक फॉर्म बनाएंगे। ये मैं लास्ट जो असाइनमेंट दी थी, जो बच्चे अभी आए हैं लेट, उस असाइनमेंट का पोस्टमार्टम कर रहे हैं। और ये असाइनमेंट सबमिट किसने करवाई थी? मावरा ने। क्या नाम बेटा आपका? जी मावरा। ये असाइनमेंट मावरा ने सबमिट करवाई है, और ये मैंने इसको अपने पास लोकली लोड कर लिया और रन कर लिए। तो इसका पोस्टमार्टम कर रहे हैं। पोस्टमार्टम से पहले मैं आपको दोबारा बता दूं कि ये असाइनमेंट क्या थी। ये असाइनमेंट वन सिंगल पेज पर मुश्तमिल थी, जिसके अंदर हमने एक लॉगिन का कंपोनेंट यूज करना था और एक अबाउट का कंपोनेंट यूज करना था, और उसमें एक हमने चाइल्ड प्रोफाइल कंपोनेंट यूज करना था, और एक ऐसा कंपोनेंट था जो डायनामिक था। वो कंपोनेंट क्या करेगा कि अगर मैं एग्जैक्ट यूजर नेम पासवर्ड लिखूंगा और साइन इन करूंगा तो वो मुझे वेलकम का कंपोनेंट दिखा देगा, और अगर मैं उसमें कोई मिस्टेक करूंगा तो वो मुझे इनवैलिड लॉगिन का कंपोनेंट दिखा देगा। तो रिक्वायरमेंट समझ आ गई सबको। अब इसको हमने कैसे परफॉर्म किया ये देख लेते हैं। परफॉर्म करने के लिए जो हमारा सबसे जो इंडेक्स जेएस फाइल है उसके app.js में हम जाके देखते हैं कि क्या हुआ है। app.js के अंदर दो सब कंपोनेंट्स लोड हुए हैं। वो सब कंपोनेंट्स के नाम बता सकते हैं, साइन इन फॉर्म और प्रोफाइल। तो हम साइन इन फॉर्म में आ जाते हैं क्योंकि साइन इन फॉर्म हमारा पहले चल रहा है। तो साइन इन फॉर्म में हम आ गए। अभी ऊपर क्या हुआ उस पर नहीं आते। हम एक फॉर्म बनाते हैं, ये फॉर्म समझे, दिस इज द फॉर्म। दिस फॉर्म के अंदर क्या क्या चीजें यूज हो रही हैं? जारी बात है, इस फॉर्म में यूजर नेम और पासवर्ड के दो इनपुट्स यूज हो रहे हैं, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। दिस इज फॉर यूजर नेम एंड दिस इज फॉर पासवर्ड। अब जब हम यूजर नेम को देखते हैं तो यूजर नेम में कैसे बनाएंगे? इनपुट लिखेंगे, ये इनपुट आ गई, ठीक है। उसकी टाइप सेट करेंगे, उसकी वैल्यू सेट करेंगे, और उसके ऑन चेंज पे हम कोई काम करवाएंगे। अब ऑन चेंज पे जो हम काम करवा रहे हैं वो हम सेट यूजर नेम करवा रहे हैं। व्हाट इज सेट यूजर नेम? अब सेट यूजर नेम के लिए हमें हुक्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। व्हाट आर हुक्स? ये देखें, दीज आर हुक्स। ये जो हुक है इस वक्त जो यूज हुआ है उसका नाम है यूज स्टेट। क्या नाम है? यूज स्टेट इज अ फॉर्म ऑफ हुक। इसमें क्या क्या चीजें होती हैं? इसमें दो पैरामीटर होते हैं। पहला पैरामीटर वेरिएबल का नाम, और दूसरा पैरामीटर वेरिएबल की वैल्यू को असाइन करने वाला फंक्शन। क्लियर? अगर हम यहाँ पे एम्प्टी पैरामीटर कर देते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि इस वेरिएबल में लोडिंग के टाइम पे कोई वेरिएबल असाइन नहीं होगा। अब इसमें असाइन कब होगा? जब हम सेट यूजर नेम को कॉल करेंगे। तो ये सेट यूजर नेम को हम कब कॉल कर रहे हैं? ऑन चेंज ऑफ इस इनपुट। ये देखें, इसमें मैं कोई भी चेंज करूंगा तो ये चेंज आ गया, मतलब आखिरी एल प्रेस करने से आखिरी चेंज आया। और वो कैसे कॉल होगा? सेट यूजर नेम, यानी ऑन चेंज पे हम एक इवेंट कॉल कर रहे हैं, ई फॉर इवेंट, जिसकी टारगेट डॉट वैल्यू, यानी इसके अंदर जो भी वैल्यू स्टोर होगी वो सेट यूजर नेम में पास हो जाएगी। तो सेट यूजर नेम किस वेरिएबल में वैल्यू डाल रहा है? जाके यूजर नेम में, किसमें डाल रहा है? तो इसका मतलब ये, जैसे मैंने मुजम्मिल लिखा तो इस यूजर नेम में मुजम्मिल आ गया, और अब मैं जैसे इसमें यूजर लिख रहा हूं इस वेरिएबल में क्या आ गया? यूजर नेम में क्या आ गया? यूजर। सिमिलर हम पासवर्ड में मैं लिखता हूं पासवर्ड, अब मेरा यूजर नेम क्या सेट हो गया? बताएं यूजर नेम क्या सेट हो गया? यूजर। और पासवर्ड क्या सेट हो गया? पासवर्ड। तो अब ये कहां पे कंपेयर हो रहा है? वो यहां पे कंपेयर हो रहा है, यानी ऑन सबमिट के ऊपर हम एक फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, हैंडल सबमिट। इसको कॉल कर रहे हैं, हैंडल सबमिट इज अ फंक्शन जो कि क्या कर रहा है? सबमिट के ऊपर कुछ काम कर रहा है। वो क्या काम कर रहा है? ये देख रहा है कि इस वक्त यूजर नेम की स्टेट के अंदर क्या वैल्यूज पड़ी हुई है। अगर तो वो यूजर और पासवर्ड पड़ा है तो फिर सेट लॉगिन ट्रू कर दे, यानी ये जो लॉगिन है इसके अंदर वैल्यू ट्रू डाल दे, अदरवाइज इस वेरिएबल यानी लॉगिन के अंदर फॉल्स डाल दे। तो अब हम यहां पे नीचे चेक करेंगे कि अगर तो लॉगिन ट्रू है तो किसको करे? वेलकम वाले को करे।
और वेलकम वाला जो हमारा सब कंपोनेंट है उसके अंदर एक वेरिएबल भी पास करें। अब यहाँ पर मैंने आपको क्या कहा था कि प्रॉप्स का यूज करना है, तो इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से प्रॉप्स का यूज किया, यूजर नेम में वो यूजर नेम पास कर दिया। अब हम आ जाएंगे वेलकम कंपोनेंट के ऊपर, ये वेलकम कंपोनेंट आ गया। यहाँ पे आप देखेंगे इस वेलकम कंपोनेंट के अंदर यूजर नेम पास हुआ एज अ प्रॉप्स, और यहाँ पे वेलकम के साथ साथ उसका यूजर नेम भी प्रिंट हो गया। मैं करता हूँ ये देखो, इनवैलिड यूजर, सॉरी वेलकम यूजर, तो इसका मतलब ये हुआ अगर मैं इसमें गलत यूजर नेम दूंगा तो वो इनवैलिड दिखाएगा। वो इनवैलिड कहाँ से दिखा रहा है, मैं दोबारा साइन इन फॉर्म में आ रहा हूँ। एक्चुअली इनवैलिड इसलिए हो रहा है कि ये लॉग इन के अंदर सेट लॉग इन की वैल्यू फॉल्स स्टोर हो रही है। जब फॉल्स स्टोर हो रही है तो ये इफ कंडीशन लगी हुई है जिसको हम क्या कहते हैं, टर्नरी कंडीशन, तो इसमें इनवैलिड लॉगिन का पेज लोड हो जाएगा। तो इनवैलिड लॉगिन जो है वो हमारा एक कंपोनेंट है, इसके अंदर क्या पड़ा हुआ है, इनवैलिड लॉगिन का स्टेटमेंट। तो ये देखें ये यहाँ से शो हो रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे कंपोनेंट्स भी कंडीशनल बेस लोड हो रहे हैं। जैसे वेलकम का कंपोनेंट उस वक्त लोड होगा जब लॉगिन में ट्रू स्टोर होगा, अदरवाइज फॉल्स अगर स्टोर होगा तो इनवैलिड लॉगिन का कंपोनेंट लोड होगा। और अगर वेलकम का कंपोनेंट लोड हुआ तो साथ एक प्रॉप्स भी जाएगा जिसकी वैल्यू यूजर नेम होगी और वो वेलकम के पेज में प्रिंट भी हो रही है, वेलकम के पेज में यहाँ पे प्रिंट भी हो रही है। यानी आप एक वेरिएबल ले लेते हैं, उसमें इस प्रॉप्स को कॉल कर लेते हैं और उसके बाद आप इसको प्रिंट कर लेते हैं। तो दिस इज वेरी कॉन्सेप्चुअल असाइनमेंट कि जिसमें अभी तक हमने कंपोनेंट्स, मल्टीपल कंपोनेंट्स, डायनामिक कंपोनेंट की लोडिंग, फॉर्म हैंडलिंग, यूज केस का इस्तेमाल, और इसके अंदर हम लोगों ने एक डायनेमिक यानी प्रॉप्स का इस्तेमाल सीखा। तो दिस इज द रिवीजन ऑफ होल ऑफ द रोड मैप ऑफ योर रिएक्ट जर्नी। तो इसलिए यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, एंड थैंक्स टू मावरा कि उन्होंने हमें एक एक परफेक्ट असाइनमेंट सबमिट करवाई जो कि बाकियों के लिए एग्जांपल के तौर पे सेट है। आप लोग ये पूरे का पूरा प्रोजेक्ट रन करके देख सकते हो, ठीक है। ये प्रोजेक्ट मैं जिप करके शेयर कर रहा हूँ, और ये पूरा प्रोजेक्ट मैंने कैसे रन किया ये भी मैं अभी आपको दोबारा बता रहा हूँ। इस प्रोजेक्ट को मैं क्लोज कर रहा हूँ। अच्छा, प्रोजेक्ट को क्लोज करने से पहले ऑडियंस में या ऑनलाइन स्टूडेंट्स में से मुझे बताएं अगर कोई इस प्रोजेक्ट, जी क्या प्रॉब्लम। अच्छा, प्रॉब्लम्स हम जरा लैब वर्क में देख लेंगे। अभी मुझे बताएं कि अंडरस्टैंडिंग में कोई प्रॉब्लम आई है तो वो बता दें, कोई कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम है तो वो मुझे बता दें। जी प्रॉप्स, प्रॉप्स या किधर यूज हो रहे हैं? देखिए प्रॉप्स क्या होते हैं, मैं आपको दोबारा भी समझा देता हूँ। ये वो कंपोनेंट है जो विदाउट प्रॉप है। अगर मैं इस तरह से इसको चलाऊं तो क्या होगा कि जब मैं इसमें कोई भी मैं नाम लिख रहा हूँ, जैसे मुजम्मिल, सॉरी मैं एग्जैक्ट नाम लिख देता हूँ, यूजर, पासवर्ड और साइन इन कर रहा हूँ, तो अभी क्या हुआ, वेलकम का पेज लोड तो हुआ लेकिन उसमें हमने प्रॉप सबमिट नहीं करवाए। अब ये प्रॉप्स क्या होते हैं, जब आप कंपोनेंट लोड करते हैं तो उस वक्त आप कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर कर लेते हो, ओके। ये वेरिएबल कोई भी नाम के हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि ये जो नाम है वही होना चाहिए। ये नाम ऊपर से आ रहा है और ये नाम आपने अपना डिफाइन किया, मैं इसको यूएसआर भी कह सकता। ये जो प्रॉप्स है, यूएसआर प्रॉपर्टी, वो हमारे वेलकम के अंदर भी जो हो सकती है। तो मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, मैं अब दोबारा लिखता हूँ, यूजर, पासवर्ड और साइन इन करता हूं। देखिए अभी भी ये चल गया, तो इसका मतलब है व्हाट आर प्रॉप्स, प्रॉप्स आर एक्चुअली द एट्रीब्यूट्स, इट्स लाइक एन एट्रीब्यूट विथ सम वैल्यू, ओके। और ये एट्रीब्यूट हमने कौन सा इसमें यूज किया, यूएसआर, और जो जो कंपोनेंट हमें जिसके अंदर ये वैल्यू प्रॉपर्टी पास कर रहे हैं उस कंपोनेंट के अंदर हमने उसको एज अ फंक्शन उसकी वैल्यू ली और उस फंक्शन के अंदर हमने उस प्रॉप्स को प्रिंट करवा दिया, ओके। यानी जो हमारा जो आरएफसी होता है, यानी जो आपका रिएक्ट कंपोनेंट होता है, उसके अंदर आप पैरामीटराइज फंक्शन पास कर सकते, पैरामीटराइज्ड कंपोनेंट है आपका, यानी आप अपने पैरामीटर को खाली भी रख सकते हो यहाँ पर,
ये देखो ऐसे खाली भी रख सकते हो और इसके अंदर पैरामीटर भी दे सकते हो। जो पैरामीटर दोगे उसमें वही वाली वैल्यू स्टोर होगी, ये वाली, और ये वही वाला प्रिंट हो जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज असाइनमेंट जो मैंने आपको दी थी। क्या है? वेटिंग नहीं, वेटिंग में कोई भी नहीं है, सबको हमने एक्सेप्ट कर लिया। तो ये असाइनमेंट मैंने आपको दी थी, मैं दोबारा आ रहा हूँ। ये जो हमारी लास्ट असाइनमेंट थी, असाइनमेंट नंबर 7, वो क्या थी? अब इसको जरा दोबारा देख लें। इसको माशाल्लाह मावरम ने बहुत अच्छी तरीके से किया है और मैं ये जिप करके इसी असाइनमेंट के सोल्यूशन में डाल रहा हूँ। आपने करना क्या है, बहुत ही आसान, हाउ टू रन इट, यू जस्ट नीड टू कॉपी पेस्ट दिस फोल्डर एंड बाई नेविगेटिंग इन टू माई ऐप डायरेक्टरी यू जस्ट राइट CMD इन योर एड्रेस बार, CMD विल बी ओपन, फ्रॉम हेयर यू कैन स्टार्ट बाई NPM स्टार्ट, सो दिस विल रन योर प्रोजेक्ट। इफ यू हैव मोर देन वन प्रोजेक्ट आर रनिंग ऑन योर कंप्यूटर देन इट विल असाइन अ सेपरेट पोर्ट नंबर। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ, इस वक्त ये जो चल रहा है ये 3001 में चल रहा है और जो मेरी एप्लीकेशन थी वो 3000 पे चल रही थी। तो आपके प्रॉब्लम्स हम देख लेते हैं बाद में, वंस आप इसका पूरा फ्लो समझ जाएं। मैं भी आपको ये सोल्यूशन सबमिट करवाने जा रहा हूँ, आप इसको देख के डिप्लॉय करके चला लेना, शायद आपका चल जाए। ठीक है, क्वाइट बिग फाइल 77.5। इट ऑल्सो इंक्लूड द पैकेजेस एंड लाइब्रेरीज एंड 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 डिफरेंट पैकेजेस। सो ये पूरा प्रोजेक्ट आपको विद पैकेज अवेलेबल है, आप इसको रन करके चला के सीख सकते हैं। इसी असाइनमेंट में आपको लास्ट पे अटैचमेंट में आपको ये पूरी पूरी डायरेक्टरी मिल रही है, यानी सॉल्व सॉल्यूशन मिल रहा है। जिन्होंने सॉल्व नहीं किया वो इसको चला के रन करके इसकी पूरी अंडरस्टैंडिंग ले लें। ओके, अब हम क्या करने जा रहे हैं कि चले मैं इसी असाइनमेंट से ही आगे लेके चलता हूँ ताकि हम थोड़ी सी मजीद यूज हुक्स को देख लेते हैं। और जो मेरा आज का एजेंडा था वो ये था कि ना सिर्फ हम डिफरेंट किस्म के हुक्स को देखें बल्कि हम मल्टीपल पेजेस बनाना भी सीखें। जैसे आपने देखा होगा कि वेबसाइट के ऊपर एक नेविगेशन बार होती है, मिसाल के तौर पर अगर मैं कोई भी आपको वेबसाइट दिखाऊं तो दिस इज अ नेविगेशन बार, दिस इज नेविगेशन बार एंड फ्रॉम दिस नेविगेशन बार यू कैन नेविगेट टुवर्ड्स एनी लिंक। तो ये चीज कैसे बनती है रिएक्ट के अंदर, इसको भी हमने देखना है। ठीक है, और उसके बाद हम देखेंगे हुक्स को फर्दर डिटेल में, देखेंगे हुक्स का क्या यूजेज है। ओके, तो मैं इसी प्रोजेक्ट को कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम ये देखे हैं कि आप CSS को कैसे इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। तो CSS को इंक्लूड करने का तरीकाकार क्या है कि आप इस H2, यानी ये जो H2 का टैग है, जिस टैग के अंदर हमने CSS इंक्लूड करनी है, इसको हम इनलाइन स्टाइल कहते हैं। तो आप क्या कर सकते हो, स्टाइल ये देखें जी, थोड़ा सा लाउड बोले, फैन की वजह से आवाज नहीं आती, वो भी कर लेता हूँ स्टेप बाय स्टेप, जरा समझे स्टेप बाय स्टेप करेंगे। ये जो आप कह रहे हैं उस पर आऊंगा मैं भी, क्योंकि आप लोगों ने CSS सीख लिया है ना, सबको CSS आती है ना, आपके शुरू के लेक्चर CSS पे भी थे और बूटस्ट्रैप पे भी हमने लेक्चर आपको दिया। अभी हम सबसे पहला बेसिक काम ये करने जा रहे हैं कि हाउ टू इनलाइन CSS, आपने इनलाइन CSS कैसे इसमें इंक्लूड करनी है और इंटरनल CSS कैसे इंक्लूड करनी होती है। आप वेबसाइट बहुत ज्यादा आ रही है, ऑनलाइन बच्चे ज्यादा, आज कुछ बच्चे ड्रॉप हो रहे हैं। देखिए अभी मैंने ये किया कि देखिए अभी मैंने ये किया सिंपली, ये इसको जरा समझे इनलाइन CSS पे कैसे काम करते हैं। फॉर एग्जांपल
आपके पास एक H2 है, H2 के अंदर आपने इन लाइन को CSS सेट करनी है, तो उसके लिए आप क्या कौन सा एट्रीब्यूट यूज करेंगे, स्टाइल। और स्टाइल दोगे कैसे, एक बात याद रखें कि यहाँ पे आप जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल्स डाल सकते हो, मतलब रिएक्ट के, लेकिन अगर आपने एक पूरी की पूरी CSS डालनी है तो फिर आप एक और कर्ली ब्रेसेस डालोगे और उसके अंदर ये कलर डालोगे, या इसके अलावा आप मल्टीपल प्रॉपर्टीज डाल सकते हो। मिसाल के तौर पर अगर मैं बैकग्राउंड कलर डालना चाहूँ तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ मैं बताता चलूँ कि आपने प्रॉपर्टीज़, यानी जो CSS में प्रॉपर्टीज़ यूज़ होती थी, यहाँ पे थोड़ी फ़र्क है। मैंने आपको बताया कि ये JSX को फॉलो करता है, React किसको फॉलो करता है, JavaScript XML। तो एक्चुअली ये जितने भी आपको टैग्स मिल रहे हैं, दीज आर नॉट एक्चुअली टैग्स, दीज टैग्स विल बी कंपाइल्ड इनटू HTML टैग्स लेटर ऑन व्हेन इट कंपाइल्स। तो उससे पहले आपको इन XML टैग्स के जो SOPs हैं उनको फॉलो करना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर CSS में अगर मैं आपको बैकग्राउंड कलर बताऊं तो वो कुछ यूं लिखा जाता है, बैकग्राउंड डैश कलर, आपको याद होगा। बट अगर आपने XML के अंदर लिखना है इसको, तो आप डैश नहीं लिखोगे और कैमल केस लिखोगे, कलर का सी बड़ा होगा, ठीक है। तो ये देखें, ये आपका आपके आउटपुट जनरेट होगा। तो ये तो हो गया कि अगर हमने एक इनलाइन CSS कंक्लूड किया, अगर मैं ये सारा कुछ वेरिएबल्स के थ्रू करना चाहता हूँ तो मुझे जस्ट एक कांस्टेंट में एक वेरिएबल डिफाइन करना पड़ेगा माई स्टाइल, और उसके अंदर ये सारी प्रॉपर्टीज जैसे लाइक पैडिंग डिफाइन कर सकते हैं इसमें, और इस पूरे वेरिएबल को उठा के हम यहाँ पे डाल सकते हैं स्टाइल के अंदर। तो ये देखें कलर, लाइक मैं अगर इसको वाइट कर दूं तो इसका इफेक्ट चेक कर रहे हैं, ये देखें वाइट कलर हो गया। तो ये बात आपको समझ आई कि किस तरह से हमने क्या काम किया, कि हमने इस वक्त किसी भी एलिमेंट के लिए स्टाइल को वेरिएबल के थ्रू पिक कर रहे हैं। ये चीज़ क्लियर होगी आप लोगों को। अच्छा, अब चूंकि हमने बूटस्ट्रैप सीखी हुई है और हम ये चाह रहे हैं कि बूटस्ट्रैप के थ्रू हम ये सारा काम करें, और इसके बाद हम इसका लेआउट कैसे डिफाइन करेंगे, तो उसके लिए मैं ये जो 3001 है इसको मैं क्लोज कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं क्या इंस्टॉल करने जा रहा हूँ बूटस्ट्रैप, क्या इंस्टॉल करने जा रहा हूँ यहाँ पर बूटस्ट्रैप। ओके, तो बूटस्ट्रैप इंस्टॉल करने के लिए आप लोगों को पता है कौन सा कोड यूज होता है, सिंपली आप हम इसको कॉपी कर लेते हैं, रिएक्ट इंस्टॉल बूटस्ट्रैप, ठीक है, ये आपको बता देगा कि बूटस्ट्रैप रिएक्ट के अंदर कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो सिंपली npm इंस्टॉल बूटस्ट्रैप इसको कॉपी कर, npm install react dash bootstrap space bootstrap, तो ये आपके प्रोजेक्ट में ये पैकेज ऐड हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है एडिड 19 पैकेजेस एंड ऑडिटेड इतने पैकेजेस, यानी आपका bootstrap इंक्लूड हो गया। अच्छा, जब bootstrap इंक्लूड हो जाए तो उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने इसको इंक्लूड करना है, bootstrap को इम्पोर्ट करना है। मिसाल के तौर पे आप कहाँ पे इंपोर्ट करेंगे, बेहतर ऑप्शन क्या होती है कि आप अपनी जो इंडेक्स है index.js यहाँ पे आप bootstrap इंपोर्ट कर लें। ये bootstrap कैसे इंपोर्ट होगा, आप अपनी index.js में जाएंगे, वहाँ पे आप ये वाला पाथ दे देंगे, इससे bootstrap आपका इंपोर्ट हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, इसको रन करता हूँ npm start। आप लोगों ने नोट किया कि h1 का स्टाइल थोड़ा चेंज हो गया है, देख रहे हो, अगर मैं इसको कमेंट कर देता हूं
तो इस H1 का स्टाइल थोड़ा और है, लेकिन अगर मैं इसको एनेबल कर देता हूँ तो इसका स्टाइल थोड़ा और हो गया। इट मींस क्या हो गया, बूटस्ट्रैप इंक्लूड हो गया। ये बात समझ आ गई या नहीं आई? अच्छा, अब रिएक्ट क्या चीज़ है? रिएक्ट बेसिकली फ्रंट एंड फ्रेमवर्क है, जावास्क्रिप्ट का फ्रंट एंड फ्रेमवर्क है। तो रिएक्ट को यूज करते हुए हम लोगों ने एम्बेडेड काम करना होता है, मतलब CSS और रिएक्ट को हम इकट्ठा लेके चलते हैं। तो अभी अगर आप यहाँ पर देखें, इसमें कहीं पे भी CSS यूज नहीं हो रही इनमें, सिवाय इसके जो मैंने अभी साइन इन फॉर्म के अंदर कुछ कस्टम स्टाइल बनाया और उस कस्टम स्टाइल को स्टाइल के एट्रीब्यूट की वजह से मैंने कॉल कर लिया। सिवाय इसके बूटस्ट्रैप में CSS कहीं पे भी यूज नहीं हो रही। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम अपना लेआउट कैसे बनाएं? क्या सवाल पैदा होता है? ये लेआउट कैसे बनाएं? तो लेआउट बनाने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट हमें समझना जरूरी है। उसके लिए मैं ये करता हूं कि जो हमारा इंडेक्स पेज है, जैसे दिस वन इज द इंडेक्स पेज, यहाँ पे ये जो ऐप हमारा लोड हो रहा है ना, इसके अंदर हम कुछ अब काम करते हैं। ये जो ऐप डॉट जी एस है, यहाँ पे हम कुछ लेआउट्स वगैरह बनाते हैं, ठीक है? तो उसके लिए मैं क्या काम करता हूँ, एक मैं बूटस्ट्रैप को यूज करने का एक एक स्ट्रक्चर लिखता हूँ, हाउ टू यूज द बूटस्ट्रैप। तो मिसाल के तौर पर इसी पे अगर हम काम करना चाहें तो ये देखें, मैंने सिंपली एक कंटेनर क्लास दे दी मैंने, तो क्या हो गया, हमारी जो वेबसाइट थी वो कंटेन्ड हो गई। ये बूटस्ट्रैप का डिफॉल्ट बिहेवियर है कि जब भी हम कंटेनर क्लास देते हैं तो क्या होता है, क्या होता है, उसकी विड्थ कंटेन्ड हो जाती है। ये बात समझ आ गई? अब हम इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर लिखते हैं। स्ट्रक्चर क्या है कि बिल फर्स्ट, आपको याद होगा कि मैंने आपको ग्रिड लेआउट सिखाई थी। ग्रिड लेआउट के मुताबिक, अच्छा इसमें क्लास नहीं लिखेंगे हम, क्लास नेम लिखेंगे हम, एक रो ऐड कर लेते हैं, बूटस्ट्रैप की रो हमने ऐड कर ली। इसके अंदर लेट्स से अगर हम हेडर डालने के लिए एक 100% विड्थ का बनाना चाहते हैं तो हमें कौन सी डिव बनानी पड़ेगी? ये देखिए, मैंने इस डिव के अंदर एक हेडर बनाया। इस हेडर के को अब हम एक विड्थ सेट करेंगे थ्रू डिव। तो क्लास नेम जो मैं इसमें सेट करने जा रहा हूँ, कॉल MD12। इससे क्या होगा, आपका ये जो हेडर है, ये अगर मैं इसको 6 कर देता हूं तो क्या होगा, क्योंकि ये हेडर की विड्थ हमें नजर नहीं आ रही, इसलिए एक्चुअली 6 हो चुका है। ओके, अगर मैं इसका कोई बॉर्डर सेट कर दूं, लाइक यहां पर मैं इस हेडर का कोई बॉर्डर सेट कर दूं, या यहां पे मैं कर दूं स्टाइल, ये देखें ये बॉर्डर सेट हो गया। और बॉर्डर की विड्थ कितनी आई, 50% कितनी आई। और अगर मैं इसकी विड्थ 12 कर दूं तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, इस तरह आपको बताने के लिए कि बूटस्ट्रैप इज वर्किंग। ये बात समझ आ गई? तो हम अपना एक लेआउट बनाने जा रहे हैं। अच्छा, इसी तरह ये जो मेन हमारा पेज है, ये रो, यहाँ पर रो खत्म हो गई। इस रो को मैं दोबारा डुप्लीकेट, मतलब इसको इसके अंदर ले जाता हूँ। ये जो मेन है, एक और रो बना लेता हूं मैं, मेन को इसके अंदर पेस्ट कर रहा हूं, और रो इसको मैं एक क्लास दे रहा हूं, रो की क्लास दे रहा हूं, और इसके अंदर एक और डिव ऐड करने जा रहा हूं। और जिसको मैं क्लास नेम देने जा रहा हूँ, कॉल MD4। और ये साइन अप फॉर्म को मैं इस 4 में डालने जा रहा हूँ। और एक और मैं बनाने जा रहा हूँ, कॉल
ऑल एम डी एट। देखिए जी, एक स्ट्रक्चर बन गया कि जिसकी लेफ्ट अलाइनमेंट हो गई, यानी लेफ्ट पे आ गया और कॉन्टेंट हमारा राइट पे आ गया, ठीक है, इनवैलिड लॉगिन वगैरह उसके नीचे आ गया। तो हम अपनी वेबसाइट को अरेंज कर रहे हैं थ्रू बूटस्ट्रैप क्लासेस। बेटा बात समझ आ रही है सबको? अच्छा, अब यहाँ पे ये चीज़ देखें, ये जो हमारा साइन इन फॉर्म है, अब ये जो बूटस्ट्रैप की क्लास हमने इंडेक्स डॉट जेएस में इंक्लूड की थी, तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे भी आएगी। आपको पता होगा कि जो हमारे इनपुट एलिमेंट्स होते हैं, इसके अंदर हम बूटस्ट्रैप की कौन सी क्लास सेट करते हैं? फॉर्म डैश कंट्रोल, कौन सी करते हैं? फॉर्म डैश। तो ये दोनों क्लासेस मैंने इसमें भी डाल दी, पासवर्ड में भी और यूजर नेम में। तो आप देखेंगे कितना प्यारा लुक दे रहा है। कुछ आइडिया मिल रहा है, समझ आ रही है बात की? इसी तरह ये जो साइन इन का बटन है, इसमें भी हम फॉर्म कंट्रोल क्लास नेम सेट कर सकते हैं। तो आपने देखा ये साइन इन का बटन भी उसके मुताबिक इम्प्रूव हो गया। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, अपने पेज को इम्प्रूव करके डिज़ाइन कर सकते हो। तो मैं आज असाइनमेंट भी आपको ये देने जा रहा हूँ कि आपने बूटस्ट्रैप को अपनी अपने प्रोजेक्ट में इंक्लूड करना है, और बूटस्ट्रैप इंक्लूड करने के लिए एक लेआउट बनाना है। तो लेआउट को हम साथ साथ इम्प्रूव करते जा रहे हैं, मॉडिफाई करते जा रहे हैं, लेकिन इसकी फंक्शनैलिटी में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। जैसे ये देखें, मैं यूज़र और पासवर्ड लिखता हूँ और साइन इन पर प्रेस करता हूँ, ये देखिए ये वेलकम यूज़र यहाँ पर आ रहा है। समझ आ गई बात की? और अगर मैं गलत यूज़र ने पासवर्ड देता हूँ तो वो इनवैलिड लॉगिन यहाँ पर दिखा रहा है। तो ये हमारी जो वेब एप्लीकेशन है, ये डायनामिक भी होती जा रही है और ब्यूटीफाई भी होती जा रही है। क्लियर? तो अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, जो नेक्स्ट एजेंडा है, वो क्या है कि हाउ टू यूज़ द राउट्स, हाउ टू यूज़ द राउट्स। अब ये राउट्स क्या होती हैं? राउट्स को समझने के लिए मैं काम करने जा रहा हूँ। मैं एक से के पेज बनाने जा रहा हूँ यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पे मैंने डिफरेंट किस्म के पेजेस बनाने, ठीक है। तो ये मेरे जो स्टैटिक पेजेस हैं, तो मैं इसलिए यहाँ पे पेजेस का फोल्डर बनाने जा रहा हूँ। सॉरी, एक फाइल बन गई, मैं यहाँ पर एक फोल्डर बनाने जा रहा हूँ, न्यू फोल्डर पेजेस। ये फोल्डर बन गया, इस फोल्डर के अंदर मैं बाकी चीज़ें अरेंज करूँ। इस फोल्डर के अंदर मैं न्यू फाइल बनाऊंगा। मिसाल के तौर पर सबसे पहले मैं एक फाइल बना लेता हूँ, home.js। इस पेज के अंदर एक मैं फाइल बना लेता हूँ लेआउट, और देन मैं बना लेता हूँ blog.js, और एक और मैं बना लेता हूँ contact.js। तो ये मैंने कितने पेजेस बना लिए, पेजेस के अंदर कितने बना लिए? बेटा जाग रहे हो, सो रहे हो? चार पेजेस बोले ना, चार पेजेस। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक ब्लॉग्स का पेज बनाता हूँ, यानी ब्लॉग। तो RFAC यहाँ पे ना, अच्छा मैं आपको थोड़ी सी बात बताता हूँ। RFC के अंदर आपको मुख्तलिफ किस्म के फंक्शन कंपोनेंट्स मिलेंगे, यानी आपको मुख्तलिफ किस्म के कंपोनेंट बनाने का तरीका मिलेगा। अगर आप यहाँ पर देखें तो आप RFC अगर लिखो तो डिफरेंट कैटेगरी आपको मिल रही है। RFC मिल रहा है रिएक्ट फंक्शन कंपोनेंट, RFCE मिल रहा है रिएक्ट फंक्शन एक्सपोर्ट कंपोनेंट, RFCP मिल रहा है रिएक्ट फंक्शन कंपोनेंट विद प्रॉप टाइप्स, फिर RFC मिल रहा है रिएक्ट एरो फंक्शन कंपोनेंट, फिर RAFCE मिल रहा है रिएक्ट एरो फंक्शन एक्सपोर्ट कंपोनेंट। तो मैं यहाँ पर चूज कर रहा हूँ RFAC। जैसे मैंने RFAC चूज किया तो उसने मुझे एक पेज बना के दे। कौन सा पेज बना के दे दिया जी? ब्लॉग का पेज बना दिया। मैं यहाँ पे फिल वक्त लिखने जा रहा हूँ H1 ब्लॉग पेज। सिमिलरली आई विल डू इट फॉर अदर पेजेस, RFAC, RAFC, और यहाँ पे मैं क्या नाम लिखने जा रहा हूँ, कॉन्टेक्ट
पेज। सिमिलरली होम होम आरएफसी होम पेज। और एक मैं बनाने जा रहा हूं लेआउट का पेज। यहां पे मैं आरएफसी करने जा रहा हूं, ये मेरा लेआउट का पेज बन गया। और यहां पे मैं फिल वक्त लेआउट चूंकि लिखना नहीं पड़ता, हमें लिखना नहीं चाहिए, हम जस्ट इसको ऐसे ही रहने देते हैं। तो इसको हम एक कंपोनेंट बना लेते हैं, यानी रिएक्ट के अंदर जस्ट मेरा ये कंपोनेंट यूज है। अच्छा, अब हमें क्या काम करना है? हमें ये काम करना है कि हमें एक लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी है। उस लाइब्रेरी का नाम क्या है? राउटर, रिएक्ट राउटर डॉम। लाइब्रेरी का क्या नाम है? जैसे मैंने बताया कि हम ये राउटर सीखने जा रहे हैं, तो मैं इसको फिल वक्त, ये जो 3001 वाला प्रोजेक्ट है, मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ। और यहाँ पे मैं npm इंस्टॉल, कौन सी लाइब्रेरी इंस्टॉल करने जा रहा हूँ? रिएक्ट, इसको याद रखें, रिएक्ट राउटर, रिएक्ट डैश राउटर डैश डॉम। ये चीजें लिख लिया करें। तो यहां पर देखिए 3 पैकेजेस ऐड हो गए। कितने पैकेजेस ऐड हो गए बोले? 3 पैकेजेस ऐड हो गए। उधर जाओ, उधर जाओ। यहां तक बात समझ आ गई? अच्छा, इसका पर्पस क्या है? मैं इसको npm स्टार्ट दोबारा करता हूं। हो गया, ये हमारा पेज लोड हो गया। अब हमने यहाँ पर क्या चीज सीखनी है? यहाँ पे हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट काम सीखना है, वो ये है कि हम किस तरह से अपने पेजेस मल्टीपल पेजेस बनाएंगे। तो मल्टीपल पेजेस बनाने के लिए हम एक काम करते हैं, ये जो हमारा इंडेक्स पेज है ना, हमने यहाँ पे मल्टीपल पेजेस का एक कॉन्फ़िगरेशन करनी है, मल्टी पेजेस सेट करने हैं। तो मल्टी पेजेस के लिए, यानी राउट्स ऐड करने के लिए, हमें जो इंपोर्ट करनी पड़ेगी लाइब्रेरीज, वो कौन कौन सी हैं? इंपोर्ट, अब यहाँ पे हमें कुछ लाइब्रेरीज इंपोर्ट करनी पड़ेंगी। वो लाइब्रेरीज कौन कौन सी हैं? सबसे पहले ब्राउजर राउट राउटर, ब्राउजर राउटर, ये क्या करेगा अभी आगे चल के देखते हैं। जो दूसरी इसमें इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी है वो राउट्स है, राउट्स। और तीसरी जो इसमें इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी है वो है राउट। तो ये 3 लाइब्रेरीज हमें इंपोर्ट करनी पड़ेंगी इसको। क्लियर, यहाँ तक बात क्लियर हो गई? अच्छा, अब ये जो लाइब्रेरी है इसको हम इसके थ्रू हम अपने पेजेस, यानी इसके थ्रू हम डिफरेंट किस्म के राउट्स बनाएंगे। तो राउट्स बनाने से पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे? कुछ पेजेस अपने इम्पोर्ट करेंगे। हमने कौन कौन से नए पेजेस बनाए थे, याद है? लेआउट, और कौन सा बनाया था? देखें, वो उसने लेआउट पेजेस के अंदर से उठा लिया। दूसरा हमने जो पेज बनाया था वो कौन सा बनाया था? कॉन्टेक्ट का। सिमिलरली देन हम कौन सा इंपोर्ट करेंगे? लेआउट कॉन्टेक्ट ब्लॉग, ये देखें ऑटोमेटिकली पिक करता जा रहा है। और उसके बाद फिर हम होम का पेज सबसे टॉप पे हम लोड कर लेते। वैसे इसकी तरतीब का मसला कोई नहीं। ये ले, ये हमारे पास कितनी कितनी फाइलें इंपोर्ट हो गई इसके अंदर? वो चारों फाइलें जो मैंने पेजेस डायरेक्टरी के अंदर बनाई थी। यहां तक बात क्लियर हो गई? अच्छा, हमने बूटस्ट्रैप इंक्लूड कर लिया, हमने इसके अंदर चारों पेजेस भी इंक्लूड कर लिया। अब वक्त आ गया कि हम इसके अंदर क्या करेंगे? ब्राउजर राउट्स करेंगे, ठीक है? यानी ये जो ब्राउजर राउटर है इसको चलाएंगे, ठीक है? तो ब्राउजर राउटर चलाने के लिए आपके रिटर्न के अंदर आएंगे, ये स्टिक मोड से आपको बाहर निकलना पड़ेगा। यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा ये मैं आपको दिखा बताता हूं। ये जो आपका कंपोनेंट है इसको आप स्टिक मोड से बाहर निकाल दो, ठीक है?
स्टेप। और इस फॉरन इसके ऊपर यानी इसके ऊपर आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने अपने ब्राउजर जो है ना वो डालना है, ठीक है। तो उसका तरीकाकार ये होगा कि आप अपने ऐप के फंक्शन के अंदर एक फंक्शन लिखेंगे जी, जो अभी लेटेस्ट जो जिन्होंने ज्वाइन किया है वो बहुत लेट है, उनको टाइम से आना चाहिए था। फिर आप आधे से ज़्यादा जो है ना वो सेशन मुकम्मल हो चुका है। अच्छा, यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम एक्सपोर्ट करेंगे अपनी अपना डिफॉल्ट फंक्शन। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, यानी ये हमारा डिफॉल्ट पेज है, और फंक्शन हमारी जो ऐप है वो मेन ऐप है हमारी। इसके बाद ये रिटर्न का फंक्शन आ गया। अब रिटर्न के फंक्शन के अंदर हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम अपने ब्राउजर्स लोड करेंगे। ये हमारा ब्राउजर राउटर लोड हो गया। इस ब्राउजर राउटर के अंदर हम राउट्स बनाएंगे। ये हमारा हमारे मल्टीपल राउट्स बनाने के लिए हम यहाँ पर राउट्स बनाते हैं। उसके बाद हम एक पेरेंट एलिमेंट डिफाइन करेंगे। ये हमारा पेरेंट एलिमेंट राउट डिफाइन हो गया। इसके अंदर हम डिफरेंट किस्म के पाथ सेट करेंगे। जैसे सबसे पहले हमारा मेन पेज है पाथ, इस सब जो पाथ है यानी हमारा रूट डायरेक्टरी है यानी मेन पेज। और उसके अंदर अब हम क्या करेंगे कि एक एलिमेंट लोड करवाएंगे, और ये जो एलिमेंट है ये हमारा लेआउट है। अच्छा, बाकी इसके नेस्टेड राउट्स होंगे, ठीक है। ये एक राउट बन गया हमारा। इसके अंदर हमने क्या सेट करना है, इसके अंदर हम अपने पाथ सेट करेंगे। लाइक अगर हमने ब्लॉक का पाथ सेट करना है तो उसके लिए क्या तरीकेकार है, तो उसके लिए पाथ इज इक्वल टू ब्लॉक्स। और इसका एक एलिमेंट लोड करेंगे, एलिमेंट इज इक्वल टू ब्लॉक का जो एलिमेंट है वो ब्लॉक है, यानी इसका कंपोनेंट की बात कर रहा हूँ। और इसी तरह मैं एक और राउट बनाने जा रहा हूँ जिसका नाम होगा कॉन्टेक्ट कॉन्टेक्ट, और इसके अंदर जो कंपोनेंट मैंने लोड करवाना है वो है कॉन्टेक्ट का कर। ये कॉन्टेक्ट का कंपोनेंट, और इसको सेल्फ क्लोज करेंगे। सेपरेट क्लोज करने की जरूरत नहीं क्योंकि इसका कंटेंट नहीं है, इसको हम सेल्फ क्लोज करेंगे, राइट। इसमें इंडेक्स सेट करेंगे, यानी ये इसका मतलब ये होता है कि इंडेक्स पेज लोड होना चाहिए। और इंडेक्स और इसमें जो एलिमेंट है तो हम होम का कंपोनेंट सेट करेंगे, और यहाँ पे ये हमारी रेंडरिंग हो रही है, ऐप की रेंडरिंग हो रही है। अच्छा, अब यहाँ पे आप देखेंगे तमाम पेजेस हमारे बन चुके हैं, और इंडेक्स डॉट इंडेक्स जेएस के अंदर हमने ये जो ऐप फंक्शन था इसके अंदर हमने अपने तमाम पेजेस इंसर्ट कर लिए हैं। इसमें स्पेलिंग भी मिस्टेक रह गई थोड़ी सी, वो मैं ठीक कर लूँ। अच्छा जी, एरर आया, अभी ये देख लेते हैं। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन है, इस एरर को रिजॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, मॉड्यूल बिल्ड फेल्ड, सिंटेक्स एरर दे रहा है, ऐप हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड। अच्छा, तो ऐप कह रहा है कि ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है, इसलिए हम इसको हम फर्दर इम्पोर्ट नहीं करेंगे, हम इसको यहाँ से चला लें। अच्छा, ये चल तो गया लेकिन इसमें भी इसमें ब्लैंक पेज आ रहा है। अच्छा, लेआउट इसके अंदर हम लेआउट ऐड करते हैं।
लेआउट हमारा एम्प्टी है, ठीक है। यहाँ पे हम लेआउट पे काम करेंगे। अच्छा, लेआउट पे काम करने के लिए हमें लेआउट का कंटेंट बनाना पड़ेगा, यानी नेविगेशन बार बनानी पड़ेगी। हमने नेविगेशन बार बना ली। अच्छा, इसके अंदर हमें इम्पोर्टेंट कुछ चीज़ें इम्पोर्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि जब आप काम करते हैं ना राउट्स के ऊपर, जब आप काम करते हैं तो आपको इसमें लिंक्स बनाने पड़ते हैं। तो इसमें दो इम्पोर्टेंट जो लाइब्रेरीज हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। उसमें एक आउटलेट है और दूसरी इसमें लिंक है। तो ये जो राउटर की दो लाइब्रेरीज हैं, इसमें आपने इंक्लूड करनी है और इसको हम फिर यूज़ करें। ये हम सक्सेसफुली हमने 3 पेजेस बना दिए। अब मैं इसकी ओवरऑल जर्नी आपको बताता हूँ कि एक्चुअली क्या है। मैं इनको क्लिक करता हूँ तो हमारे डिफरेंट पेजेस चल रहे हैं। ये बात समझ आ गई आपको कि बेसिकली हम बनाना क्या चाह रहे थे। बाकी चीज़ें इसके ऊपर अप्लाई होंगी। अभी मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। देखने को ये सादा पेज है, बट इसके अंदर हमने अभी क्या यूज़ किया है, कुछ लाइब्रेरीज हमने यूज़ की हैं। वो लाइब्रेरीज मैं आपको बता दूँ, हमने इंस्टॉल भी किया। उसका नाम है रिएक्ट राउटर डॉम। अब बेसिकली हमने इंडेक्स डॉट जी एस को क्या कहा, सबसे पहले इसमें आ जाएं, सबसे पहले इसमें इसको समझें कि यहाँ पर हमने क्या किया कि हमने ब्राउजर राउटर डिफाइन करना था। तो जब ब्राउजर राउटर डिफाइन करना था, तो अब ये सारी जिम्मेदारी आपकी राउटर के आगे के कौन सा पेज दिखाना है, कौन सा नहीं दिखाना। हम इसमें यहाँ पर ऐप को इम्पोर्ट नहीं करेंगे, ठीक है। ऐप को हमने छोड़ दिया, हमने एक नया फंक्शन बना लिया रन टाइम पे, इसी को हमने ऐप कह दिया, ठीक है। ये जो है ना, ये ऐप रन टाइम पे, इसको हमने नया फंक्शन यानी नया कंपोनेंट बनाने की बजाय इसी को कंपोनेंट कह दिया। इंडेक्स पेज में ये हमारा एक अपना ऐप फंक्शन बन गया और इसको हमने एक्सपोर्ट कर लिया यानी रेंडर कर लिया। अब उसके अंदर हम कर क्या रहे हैं कि लेट दिस ब्राउजर राउटर डिसाइड कि मेन पेज पे क्या लोड होगा और बाकी लिंक्स कौन कौन से होंगे। तो इसका तरीकेकार क्या है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे मैंने आपको लाइब्रेरी इंस्टॉल करवाई रिएक्ट राउटर डॉम। रिएक्ट राउटर डॉम ने क्या किया कि ये वाली लाइब्रेरीज उसके अंदर इंस्टॉल कर दी जिनकी हमें जरूरत थी। तो यहाँ पर हम इम्पोर्ट कर लेंगे ब्राउजर राउटर, राउट्स और राउट। तो हम क्या करते हैं, दिस इज द कंटेनर फॉर योर लिंक्स। ब्राउजर राउटर कंटेनर होता है, राउट्स का मतलब ये होता है कि अगर हम मल्टीपल इस तरह के और राउट्स बनाना चाहें, मतलब इसको मैं डुप्लीकेट भी कर सकता हूँ विद डिफरेंट, मतलब आपने दो नेविगेशन बार बनानी है तो आप मल्टीपल राउट्स बना सकते हैं। हर राउट्स के अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जो डिफॉल्ट पेज, मतलब अगर मैं इसको निकाल दूँ, ये वाला, ये वो वाहिद राउट है जिसका सेपरेट क्लोजिंग टैग है, यानी डिफॉल्ट लेआउट लोड करे। इसका मतलब ये हुआ कि लेआउट के अंदर रेंडर होंगे सारे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यानी जो हमारा डिफॉल्ट पेज है वो कौन सा है, लेआउट का। तो लेआउट तो लोड हो गया, लेकिन उस लेआउट के अंदर जो फर्दर सब राउट्स हैं वो आप इस लेआउट के अंदर बनाएंगे, यानी ये जो मेन पाथ है उसके अंदर बनाओगे। तो उसके अंदर मैंने 3 पाथ बनाए। मैंने पहले पाथ को कह दिया कि ये जो पाथ है ना हमारा, यानी ये जो राउट है इंडेक्स, इसमें होम का कंपोनेंट लोड हो और ये बाय डिफॉल्ट है। बाकी दोनों को डिफॉल्ट पे नहीं रखा, बाकी दोनों को मैंने लिंक पे रख दिया, यानी पाथ बना दिए इनके, जैसे ब्लॉग्स है, कॉन्टेक्ट है, आप मल्टीपल पाथ बना सकते हो। और चूंकि मुझे इस वक्त होम भी चाहिए, लेआउट भी चाहिए, ब्लॉग भी चाहिए, कॉन्टेक्ट भी चाहिए, ये सारे पेजेस हमारे मौजूद हैं और इनको हमने यहाँ पर इम्पोर्ट करवा लिया, ताकि जब क्लिक के ऊपर ये लोड हो तो यहाँ पर आसानी से लोड हो जाए। अब मैं जो इसमें इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है लेआउट का, उसमें आ जाता हूँ। एक्चुअली लेआउट के अंदर मैंने क्या किया, लेआउट के अंदर मैंने अपना मेन स्ट्रक्चर बनाना है, यानी यहीं पर नेविगेशन बार लोड होगी, यहीं पर हमारा जो कंपोनेंट है वो लोड होगा, यानी इसको हम हेडर फाइल भी कह सकते हैं। इसको चलाने के लिए, यानी जो हमारी नेविगेशन है इसको चलाने के लिए, आपको आउटलेट की लाइब्रेरी चाहिए और लिंक की लाइब्रेरी चाहिए। ये लिंक की लाइब्रेरी क्या करेगा, आपके पेजेस को एक हाइपर लिंक बना देगा। ये देखिए, ये वाले मैंने लगता कहीं पर डुप्लीकेट कर दिया था, इंडेक्स में ऐप का इशू आ रहा है, तो ऐप को हम कमेंट कर लेते हैं। तो ये देखिए, हमारे पास होम, ब्लॉग और कॉन्टेक्ट 3 पेजेस बन गए। अच्छा, अब यहाँ पे आपने एक चीज समझनी है कि ये वेबसाइट काम कैसे करती है, रिएक्ट की वेबसाइट काम कैसे करती है। इसको कहते हैं सिंगल पेज एप्लीकेशन, SPA। क्या कहते हैं, असल में होता क्या है कि जब आप ये डिफॉल्ट यूआरएल को हिट करते हो तो इसके जितने भी कंपोनेंट्स हैं इसके अंदर लोड हो जाते हैं वन टाइम में, यानी वन क्लिक पे लोड हो गए। यही वजह है कि जब मैं किसी दूसरे लिंक पे क्लिक करता हूँ तो ये विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम या विदाउट लोडिंग
ये बिल्कुल सिंगल क्लिक के ऊपर ये लोड हो जाते हैं कंपोनेंट्स। तो इस तरह हम ये कहते हैं कि रिएक्ट एप्लीकेशन सिंगल पेज एप्लीकेशन है और ये फास्ट चलती है। तो इसलिए आजकल जो मॉडर्न ट्रेंड्स हैं उसके अंदर हम क्या यूज करते हैं, रिएक्ट यूज करते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर ओवरऑल आपको समझ आ गया। अब मजीद आप क्या कर सकते हैं उसके अंदर, आप इसका जो जैसे मैंने ये जो होम पेज है, या इससे पहले मैंने एक पेज बना के दिया था हमने साइन इन फॉर्म, इसका पूरा लेआउट डिफाइन किया बूटस्ट्रैप की मदद से। तो आप इस तरह का एक पूरा स्ट्रक्चर बना सकते हो अपने लेआउट के अंदर, मतलब नेविगेशन बार अगर आपने लाना है तो कैसे लाओगे। तो अब आसान है, मतलब लेट्स से अगर आपने इसको बूटस्ट्रैप नेविगेशन बार में कन्वर्ट करना है तो सिंपली आप क्या करोगे, यहाँ पर लिखोगे बूटस्ट्रैप नेव बार, उसकी क्लासेस जस्ट आपने पिक करनी है। जैसे ये वाली है ना, तो अब आपको ये क्लासेस के नाम पता होने चाहिए। जैसे सबसे पहले नैव बार है, तो मैं इसको क्या करूंगा, इसकी क्लास ये जो मेरा लेआउट था यहाँ पे जो मैंने क्लास सेट करवानी है, क्लास नेम ये मैंने सेट करवा दिया। ठीक है, अच्छा इसलिए भी नहीं आया कि इसके अंदर मैंने इंपोर्ट नहीं किया, तो मैं इसमें पूरी लाइब्रेरी इंपोर्ट कर लेता हूँ। ये जो हमारा ये बूटस्ट्रैप है इसको मैं लेआउट में भी इंक्लूड कर लेता हूँ, इंपोर्ट कर लेते हैं। और यहाँ पे मुझे कुछ कंटेनर्स भी लगाने थे, सेव। क्लास नेम कंटेनर, और ये नेविगेशन पूरी उठा के मैं इसके अंदर ले जाऊंगा। ये कंटेनर के अंदर आ चुके हैं, आप देख सकते हो। तो अब मैं क्या करूँगा कि इसका पूरा स्ट्रक्चर बनाऊंगा, मतलब जारी बात है ये टाइम कंज्यूमिंग है, ये मैं आपके ऊपर छोड़ूंगा अभी कि आप इसका पूरा स्ट्रक्चर कैसे बनाते हो। मिसाल के तौर पर आपने पूरा ये कोड कॉपी करना है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ये जो नेविगेशन है इसका पूरा कोड कॉपी कर देता। अब आपने ये यूएल एल आई जहाँ जहाँ क्लास है उसको आपने क्या कर देना है, क्लास को क्या कर देना है, क्लास नेम या आप रिप्लेस ऑल कर दें। और जहां जहां वहां आपने क्या करना है, एक ही जगह क्या लिखना है आपने, लिंक टू, ए के टैग को किससे रिप्लेस करना है आपने, लिंक के टैग से, राइट। ये भी मैं आपको बता देता हूँ, ए का जो टैग है इसको रिप्लेस करना है आपने लिंक के टैग से। ओके, ये मैंने रिप्लेस कर दिया, ये लिंक आ गया। और जहां जहां एचरेफ था, ये एचरेफ, एचरेफ को किससे रिप्लेस करना है आपने, टू से। टू इज इक्वल टू, बात समझ आ रही है। और जहां आ रहा है ये अपना, उसको क्या कहते हैं, लिंक क्लोजिंग, उसकी जगह लिंक क्लोजिंग का टैग रिप्लेस करना है। पता नहीं किस हद तक चीजें अपडेट हुई हैं, अभी मैं चला के देखता हूँ, मे बी कुछ एरर्स वगैरह भी आ गए होंगे। ऑब्वियसली बात ही, मैंने ब्लाइंडली चीजें चेंज की हैं। तो जीएसएक्स, हाँ बिल्कुल, इनपुट के मसाइल हैं वो, अब मुझे इनपुट को रिमूव करना पड़ेगा। ये फॉर्म पूरा रिमूव कर रहा हूँ मैं,
चाबी तक उसने उसको पिक नहीं किया, उसकी वजह ये है कि क्या वजह हो सकती है, अभी देखता हूँ मैं। मैम यू एल, ये देखिए आ गया, देख रहे हो ये नेविगेशन बार हमारी बन गई। अब चूंकि इसके अंदर मैंने जो होम का लिंक था, फॉर एग्जांपल मैं ये होम के लिंक के साथ रिप्लेस करता हूँ। अब मसला यहाँ पर ये कि टू, मैं ऐसा करता हूँ सिर्फ पोर्ट कर देता हूँ चेंज स्लैश, और दूसरा हमारा ब्लॉग्स का था। मैं यहाँ से देखना चाहूंगा लिंक, इस लिंक को मैं ब्लॉक कर देता हूँ, यानी ये जो लिंक है ये ब्लॉक्स का हो गया, इसका मैं नाम भी ब्लॉक्स कर देता हूँ, ब्लॉक कर देता हूँ, राइट। ब्लॉक्स ओके, और थर्ड वन जो था मेरा कॉन्टेक्ट का था, ये आप लोगों की प्रैक्टिस है लेकिन मैं आप लोगों को सिर्फ बता रहा हूँ कि आप काम कर सकते हो, ठीक है। ड्रॉप डाउन, या चले मैं इसी का रेप्लिका बना लेता हूँ। ये ड्रॉप डाउन हम नहीं चला रहे क्योंकि ड्रॉप डाउन में कॉम्प्लेक्सिटी है, मैं सिर्फ आपको इसका स्ट्रक्चर सेट करके दे रहा हूँ। कॉन्टेक्ट और कॉन्टेक्ट, तो ये हमारा नेविगेशन ये वाला खत्म हो गया। नई नेविगेशन आ गई, देखिए जी ये आ गया, ये ब्लॉक का पेज, होम, कॉन्टेक्ट, चल गया नेविगेशन बार चल गई। इसको आप बीजी डैश लाइट भी कर सकते हो, नेविगेशन डार्क भी कर सकते हो, ये आपकी चॉइस है। यानी आप नोट कर रहे हो कि हमने बूटस्ट्रैप को इंक्लूड कर लिया इसके अंदर। दिस वन इज डार्क। इसी तरह आपका जो कंटेनर पेजेस हैं, जैसे होम है, तो होम को भी आप कंटेनर सेट कर सकते हो। मिसाल के तौर पर ये है, यहाँ पे आप कंटेनर डाल दें, ये देखिए होम पेज उधर आ गया, ब्लॉग के पेज में भी इसी तरह। ये अब आपका काम है, ये क्लियर हो गया। देखिए आज हमने बहुत कॉम्प्लेक्स चीजें सीखी हैं। ये जो कोड है ना पूरा, ये मैं आपसे शेयर कर देता हूँ अभी, अपडेटेड कोड। आप इस पे पूरा थीम बनाएं, आप बूटस्ट्रैप की ग्रिड्स बनाएं, जो मर्जी करें, यहाँ पे अब आप काम कर सकते हो। यानी अभी हमने डिटेल में सीखा कि हम मल्टीपल पेजेस, यानी इसके अंदर राउटर्स या राउट्स कैसे ऐड कर सकते हैं, और उनके अगेंस्ट कंपोनेंट्स कैसे बना सकते हैं। क्लियर, यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन है? चले अब थोड़ा आगे चलते हैं जी। जी बेटा, जी मैं कर देता हूँ इसकी, इसका अपडेटेड वर्जन मैं आपसे शेयर कर देता हूँ अभी, ठीक है। तो ये हमारा प्रोजेक्ट भी अपडेटेड हो गया, ये मैं ये आपसे शेयर कर देता हूँ। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि हमारा आज के जो टॉपिक्स में से टॉपिक में कौन सी चीज़ें हमारी रहती हैं। हमने अभी इतनी डिटेल में पढ़ा ये राउटिंग को, और हुक का हमने थोड़ा सा आइडिया लिया है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा यहाँ से अब स्लाइड से बता देता हूँ कि राउटिंग क्या चीज़ है। रिएक्ट राउटर इज अ लाइब्रेरी फॉर हैंडलिंग राउटिंग इन रिएक्ट एप्लीकेशन, जो कि अभी आपने देखी। राउटिंग इन्वॉल्व्स नेविगेटिंग बिटवीन डिफरेंट व्यूज और पेजेस विद अ सिंगल पेज एप्लीकेशन विदाउट हैविंग टू परफॉर्म फुल पेज रीलोड्स, ये भी अभी आपने देखा। रिएक्ट राउटर प्रोवाइड्स अ वे टू मैनेज द नेविगेशन एंड रेंडरिंग ऑफ कंपोनेंट्स बेस्ड ऑन द करंट यूआरएल, यूआरएल की बेस पे मैंने सारा आपको कंट्रोल करके दिखाया है। तो इसके स्टेप्स क्या है, मैं रिवाइज कर रहा हूँ। रिएक्ट राउटिंग के लिए आपको जो लाइब्रेरीज में इंस्टॉल करनी पड़ती है वो रिएक्ट राउटर डॉम है, इसके थ्रू आप इंस्टॉल कर सकते हो, नम एनपीएम इंस्टॉल के थ्रू कर सकते हो, एक ही बात है। उसके बाद आपको तरीकाकार बताया गया कि किस तरीके से आप अपने ऐप को के अंदर ब्राउजर रॉट की लाइब्रेरीज इंक्लूड करके, इंपोर्ट करके, उसके अंदर आपका पूरा
जो नेविगेशन के पाथ है यानी जो राउटर्स हैं वो सेट हो सकते हैं। यहाँ पर एक बात ध्यान में रखें कि दीज आर द राउटर्स नॉट नेविगेशन बार्स। नेविगेशन बार्स आपके लेआउट के अंदर डिफाइन होंगे और सारे राउट्स यहाँ पर डिफाइन होंगे यानी इंडेक्स पेज के अंदर, जो कि कंट्रोलर, इसको इन द सेंस कंट्रोलर भी कह सकते हैं, यानी यूआरएल मैपिंग भी इसको कह सकते हैं कि ये वाला जो कंपोनेंट है ये बेसिकली इंडेक्स डॉट जेएस की मदद से यूआरएल की मैपिंग हो रही है। उसके बाद हमने देखा कि लेआउट के अंदर हम किस तरह से पूरा एक जो है ना नेविगेशन बार बना सकते हैं, और उसके बाद हमने इस नेविगेशन बार को बूटस्ट्रैप के अंदर भी कन्वर्ट करना सीखा। तो ये चार हमने डिफरेंट पेजेस बनाए, पेजेस की डायरेक्टरी के अंदर, और उनको हमने जो है वो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट के थ्रू हमने किया। तो ये हमारा राउट्स का एक काम मुकम्मल हो गया। उसके बाद रिएक्ट हुक, हुक में मैंने आपको चीज बताई थी कि हुक्स होते क्या हैं। बेसिकली हुक्स मल्टीपल टाइप्स के होते हैं, जो मेन इंपॉर्टेंट टाइप है इसमें वो चार है, यूज स्टेट है, यूज इफेक्ट है, यूज रेफरेंस है, और चौथा है यूज कॉन्टेक्स्ट। तो ये चार हुक्स हैं जो ज्यादा यूज होते हैं, इनको हम अभी पढ़ेंगे। हमारे पास टाइम है 10 मिनट, 15 मिनट, तो हम इनको पढ़ सकते हैं। तो लेकिन रिएक्ट के बारे में, हुक्स के बारे में थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं। रिएक्ट हुक्स आर अ फीचर इंट्रोड्यूस्ड इन रिएक्ट वर्जन 16.8 टू प्रोवाइड अ वे टू यूज स्टेट एंड अदर रिएक्ट फीचर्स इन फंक्शनल कंपोनेंट रादर देन ओनली इन क्लास कंपोनेंट्स। यानी अभी जैसे आपने देखा जो यूजर ने पासवर्ड की हम कॉन्फ़िगरेशन कर रहे थे, वो जो मावरा मावरा ने जो प्रोजेक्ट सबमिट किया उसमें यूज स्टेट यूज हुआ हुआ था, ये बेसिकली फंक्शन कंपोनेंट की मदद से हम वेरिएबल सेट कर रहे थे। तो उसके डिफरेंट स्टेट्स के ऊपर हम उसकी वैल्यू सेट कर सकते हैं, यानी इनिशियल स्टेट के ऊपर भी और बाद में फंक्शन की बेस के ऊपर भी हम उसकी वैल्यू सेट कर सकते हैं। तो वो मैंने आपको चला के भी दिखाया। अच्छा, इसमें बेसिकली लॉजिक होती है स्टेट के ऊपर, यानी डिफरेंट स्टेट के ऊपर, यानी कंपोनेंट जब आप लोड करवा रहे होते हो, प्री लोडिंग, आफ्टर लोडिंग, रेंडरिंग टाइम की लोडिंग, या जो आप प्रॉप्स की सबमिशन करते हैं, ये डिफरेंट स्टेजेस हैं। इन स्टेजेस के ऊपर आप उनको हैंडल करते हो जो आपके जो हुक्स हैं। उसके बाद रिएक्ट हुक्स आपको कंसाइज वे और स्ट्रेट फॉरवर्ड वे देते हैं डिफरेंट किस्म के कंपोनेंट्स को हैंडल करने के लिए, और उनके प्रॉप्स को हैंडल करने के लिए, और एक लाइफ साइकिल बनाने के लिए, जैसे भी हमने उसमें देखा। तो यूज स्टेट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसके अलावा जो जो हुक्स हैं वो यूज इफेक्ट है, यूज कॉन्टेक्स्ट है, और यूज रेफरेंस है। तो यूज स्टेट मैंने आपको कोडिंग से ऑलरेडी समझा चुका है कि इसमें दो वेरिएबल्स होते हैं, दो पैरामीटर्स होते हैं, पहला वेरिएबल और दूसरा वेरिएबल का फंक्शन, ये उसके वेरिएबल का फंक्शन की वैल्यू सेट करने का तरीका। ये हमने फॉर्म के थ्रू डिटेल में देख लिया, जो मुहावरा वाली जो असाइनमेंट थी उसके थ्रू मैं आपको दिखा चुका हूँ। और उसको हम सेट कैसे करवाते हैं ऑन क्लिक के फंक्शन से, आपको अगर मैं यहाँ पर दिखाता चलूँ इस कोड को तो आपको थोड़ा सा आइडिया भी हो जाएगा। ये देखें, दिस इज अ यूज स्टेट जिसमें एक वेरिएबल ले लिया यूजर नेम, दिस इज अनदर यूज स्टेट जिसमें हमने वेरिएबल ले लिया पासवर्ड, और हम इसके अंदर वैल्यू कैसे सेट करवा रहे हैं थ्रू दिस यूज स्टेट फंक्शन जिसका नाम है सेट यूजर नेम। सेट यूजर नेम को हम जैसे ही ऑन चेंज पे कॉल करते हैं, इसके अंदर की जो वैल्यू होती है यानी इस इनपुट की, वो स्टोर हो जाती है इस वेरिएबल में, यूजर नेम। यही वजह है कि जब हम उसको सबमिट कर देते हैं, जब फॉर्म को सबमिट करते हैं, तो हैंडल सबमिट का फंक्शन चलता है और इसके अंदर ये चीज कंपेयर होती है। जैसे कंपेयर होती है तो एक तीसरा यूज स्टेट लिया गया है लॉगिन का, जिसकी वैल्यू, जिसकी स्टेट चेंज होती है फॉल्स या ट्रू पे। अगर ट्रू पे हम तो कोई और, अगर तो ट्रू है तो यहाँ से हम कोई और फंक्शन, मतलब और कंट्रोलर लोड कराएंगे, मतलब कंपोनेंट, और अगर फॉल्स है तो कोई और कंपोनेंट लोड करवाएंगे। इन दोनों कंपोनेंट में फर्क ये है कि पहले वाला कंपोनेंट प्रॉप्स के साथ है और दूसरे वाला कंपोनेंट खाली है। तो यू आप अपने यू स्टेट को समझ सकते हो। तो अभी जो मैंने आपको असाइनमेंट जो कल दी थी उसमें यू स्टेट का इस्तेमाल था, तो ये मैं जिप करके आपको भेज भी रहा हूँ। तो यू स्टेट ऑलमोस्ट क्लियर है, यू स्टेट। उसके बाद यूज इफेक्ट को समझे। ये चार हुक्स हैं जो कि बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं। इनको आपने, वैसे तो 6-7 हुक्स हैं लेकिन ये चार हुक्स ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो ये जो यूज इफेक्ट है,
बेसिकली ये साइड इफेक्ट जिसको हम कहते हैं ना साइड इफेक्ट, कि वहां से निकला है। यानी साइड इफेक्ट क्या है, मिसाल के तौर पर आप अपने यूज स्टेट को कंट्रोल करना चाहते हो किसी साइड फंक्शन से, वो जो साइड फंक्शन है वो यूज इफेक्ट है। मिसाल के तौर पर आप ये कहते हैं कि काउंट की वैल्यू चेंज होती जाए, अब ये एक साइड इफेक्ट है, यानी साइड फंक्शन है जिसमें यूजर को ट्रिगर करवाने की जिम्मेदारी नहीं है बल्कि सिस्टम खुद ट्रिगर करेगा। तो जब सिस्टम खुद ट्रिगर कर रहा है तो ऐसी सूरत में हम क्या काम कर सकते हैं, हम यूज इफेक्ट यूज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये स्लाइड आपके साथ शेयर है, आप एक फंक्शन क्रिएट करेंगे यूज इफेक्ट, ये वाला फंक्शन। ये क्या कर रहा है, ये ऑटोमेटिकली टाइम आउट सेट करवा रहा है, यानी हर सेकंड के बाद काउंट, यानी जो कि यूज स्टेट का एक वेरिएबल है उसमें एक इजाफा कर देगा, और कहाँ तक करेगा, 100 तक। तो इसमें दो पैरामीटर्स हैं, पहला पैरामीटर फंक्शन, याद रखें यूज स्टेट का पहला पैरामीटर फंक्शन जो कि यहाँ पे खत्म हो रहा है, और दूसरा पैरामीटर कंडीशन, दूसरा पैरामीटर कंडीशन ऑन विच दिस फंक्शन रन ऑन बेस्ड, यानी इसको डिपेंडेंसी भी कहते हैं। तो इस वक्त इस यूज इफेक्ट के अंदर जो फंक्शन यूज हुआ हुआ है वो क्या कर रहा है, टाइमर यानी सेट टाइम आउट लगाता जा रहा है, और दूसरी जो उसकी डिपेंडेंसी है, अगर एम्प्टी प्रेसेस आ जाएगी तो इसका मतलब ये हो कि ये एक ही दफ़ा चले, अगर हम ये नहीं डालेंगे तो ये चलता जाए। तो ये है यूज इफेक्ट। इसकी एग्जाम्पल भी अभी हम देख लेते हैं, एक और एग्जाम्पल। देन हमारे पास यूज यूज कॉन्टेक्स्ट आ जाता है, कौन सा आ जाता है, यूज कॉन्टेक्स्ट, ये हमारा एक और फंक्शन है। यूज कॉन्टेक्स्ट के अंदर एक एक कंपोनेंट है क्रिएट कॉन्टेक्स्ट। क्रिएट कॉन्टेक्स्ट क्या होता है कि जब हमारे पास नेस्टेड रेंडरिंग हो रही होती है तो हम किसी एक फंक्शन को कहते हैं कि क्रिएट कॉन्टेक्स्ट कर ले, और उस कॉन्टेक्स्ट के अगेंस्ट हम अपने पैरामीटर पास कर सकते हैं। इसकी भी एग्जांपल अभी हम देखते हैं, फिर आपको क्लियर होगा। तो रिएक्ट कॉन्टेक्स्ट इज अ वे टू मैनेज स्टेट ग्लोबली, यानी इसमें एक आप पैरामीटर ग्लोबली सेट कर देते हैं और किसी भी नेस्टेड फंक्शन में उस वेरिएबल को आप चला सकते हो, स्टैंड अलोन चलाना चाहो या प्रॉप्स के थ्रू चलाना चाहो, ये चला सकते हैं। तो इसके दो स्टेप्स हैं, सबसे पहले हम उसका कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करते हैं और उसके बाद हम कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करते हैं। कॉन्टेक्स्ट क्रिएट कैसे करते हैं, सिंपली एक वेरिएबल ले लेंगे जी हम, माई कॉन्टेक्स्ट क्रिएट कॉन्टेक्स्ट, यानी माई कॉन्टेक्स्ट के नाम का क्रिएट हो गया, कॉन्टेक्स्ट क्रिएट हो गया, और इसके अंदर हम कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करने के बाद हम कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पर देखें ये जो कॉन्टेक्स्ट हमने क्रिएट किया था इसके साथ हम डॉट प्रोवाइडर लगा देंगे और उसके बाद ये ग्लोबल सेट हो गया, यानी जो भी वैल्यू थी उसकी वैल्यू प्रोवाइडर के थ्रू ग्लोबल सेट हो गई है। अब हम इसको टॉप लेवल के अंदर जितने भी ट्रीज हैं ग्लोबली हमें वेरिएबल मिल जाएगा, मतलब ये बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है। अगर आपके पास मल्टीपल कंपोनेंट्स हैं और अगर आप पेरेंट कंपोनेंट में ग्लोबली कोई कॉन्टेक्स्ट क्रिएट कर लेते हो तो चाइल्ड कंपोनेंट में वो ऑटोमेटिकली अवेलेबल हो जाएगा। इसकी एग्जांपल अभी हम करके देख लेते हैं। इसी तरह कॉन्टेक्स्ट को कंज्यूम कैसे करना है, सिंपली हम उसको यूज कॉन्टेक्स्ट करेंगे, उस वो जो आपने कॉन्टेक्स्ट क्रिएट किया है और उसके अंदर से आप वेरिएबल पिक कर लोगे, और ये आप किसी भी चाइल्ड कंपोनेंट में कर सकते हो या किसी भी कंपोनेंट में कर सकते हो। तो ये एक थर्ड था हमारे पास कॉन्टेक्स्ट के बाद। और रेफरेंस के लिए आपको क्या करना पड़ता है, अगर आपके चाइल्ड कंपोनेंट्स हैं और आप उसको एक जगह रेफरेंस डिसाइड कर देते हो तो चाइल्ड कंपोनेंट में रेफरेंस की बेस पे आप फोकस कर सकते हो। अच्छा, अभी ये तीन चीज़ों की आपको समझ नहीं आएगी जब तक हम इसकी एग्जाम्पल नहीं करें, तो टाइम बहुत शॉर्ट है, एग्जाम्पल करने का टाइम नहीं है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं ये तीनों एग्जाम्पल्स आपको करवाऊंगा, कौन कौन सी, यूज यूज इफेक्ट, यूज कॉन्टेक्स्ट और यूज रेफरेंस। ये तीनों की एग्जाम्पल हम नेक्स्ट टाइम करेंगे, लेकिन असाइनमेंट क्या है, इनको आपको पढ़ के आना है। अच्छा, अब मैं आप लोगों को एक प्रोजेक्ट बिल्ड करके दे रहा हूँ। अच्छा, इसमें मैं आपको बता दूँ कि एक तो जो आज वाली असाइनमेंट थी उसकी तमाम बच्चे प्रैक्टिस करेंगे दोबारा, मैंने इसके साथ जिप कर रहा हूँ, ठीक है।
प्रोजेक्ट जिप कर रहा हूँ। तो अब आपके लिए आसानी हो जानी चाहिए, ठीक है। इस प्रोजेक्ट को आप लोग डाउनलोड करो और अपनी सीएमडी के ऊपर रन करो और ज़रा नियत के साथ अपने लैपटॉप ठीक करो, ठीक है। ये बहुत बुरी बात है कि आप लोग कोर्स ज्वाइन करने के बाद कह रहे हो लैपटॉप ठीक नहीं। अच्छा, इसमें करना क्या है, आपने एक टैप करना है और उसमें पाँच पेजेस बनाने हैं, अपनी मर्जी के पाँच पेजेस बनाए राउट्स के थ्रू, और उसका लेआउट बूटस्ट्रैप के थ्रू डिज़ाइन होना चाहिए, और यूज स्टेट के थ्रू आपने चाइल्ड कंपोनेंट्स बनाने और लिंक्स को कॉल करना। उसके बाद आपने ये वाली रिपीट करनी है असाइनमेंट्स, और नेक्स्ट क्लास में थोड़ी सेल्फ स्टडी करनी है, यूज़ इफेक्ट्स, यूज़ कॉन्टेक्स्ट, कंज्यूम कॉन्टेक्स्ट और यूज़ रेफरेंस के हवाले से, ये हुक्स हैं। और नेक्स्ट क्लास में मैं क्या करूँगा, आपका इसमें क्विज लूँगा। चलें, फॉर टुडेज लेक्चर इट इज़ सफिशेंट, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आई होगी, और अगर समझ नहीं आई तो ये स्लाइड्स भी शेयर कर दी गई हैं, कोड भी आपसे शेयर कर दिया गया है, घर जाके प्रोजेक्ट चलाओ और इसमें थोड़ा टाइम दें।